हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेश, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था आपको फर्स्ट बैटल डे जो हमारा हुआ था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम वो अवार्ड जीत चुके हैं। सो कॉन्ग्रेट्स टू एवरीवन। यो, देख सकते हैं आप, इम्पॉसिबल वॉर हम जीत चुके हैं, 13 स्टार्स हमने कलेक्ट किए जैसे तैसे इस टफ क्लैन के सामने, और उन्होंने करे सिर्फ 6 स्टार्स कलेक्ट। सो हम ये फर्स्ट वॉर जीत चुके हैं, विक्ट्री विक्ट्री। सो गाइस, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। देख सकते हैं आप, ये जो पिकाचू पे अटैक तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, बाकी सब मैंने नहीं देखे लाइव जो हो चुके हैं वो, चलिए उन्हें जाने दीजिए। अब देख सकते हैं हमने ट्राई तो की थी, यहाँ पर 50% होता तो 2 स्टार हो पाते, यहाँ पर भी 2 स्टार नहीं हो पाया, फिर भी हमने ट्राई तो किया है, 2 स्टार तो एटलीस्ट ले पाए, और मैंने किया था एक 3 स्टार अटैक जो आपने देखा था। चलिए फिर अब जाते हैं बैटल 2 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लैन जो है वो टॉप पर चल रहा है, जैसे लास्ट मैंने आपको दिखाया था, ये एक फुल्ली एक्टिव क्लैन है और ये भी खतरनाक है। तो इनके सामने तो मुझे लगता है कि हम नहीं जीत पाएंगे, वो लाइक एक्टिव क्लैन है और ये टॉप पे है, और हम हैं 6th पोजीशन पर हमारी लीग बचाते हुए। यहाँ देखिए एक लाइव अटैक चल रहा है टीपी का जो पे, और ऑलरेडी हमारे टॉप 2 पे जिस पर वो 3 स्टार भी कर चुके हैं, ये देखिए उनका लाइव अटैक इलेक्ट्रो अटैक हो रहा है, ये जैसे कि वो लास्ट वार में हुआ था। यहाँ पर एक टाउन हॉल 12 प्लेयर है और अपोनेंट भी टाउन हॉल 12 प्लेयर है, जैसे कि उसका इलेक्ट्रो लेवल 3 का है। लेवल 3 इलेक्ट्रो देख के ही मैंने बता दिया कि ये टाउन हॉल 12 अपोनेंट है। चलिए देखते हैं ये हमारे एक बेस पर 3 स्टार कर पाता है या नहीं। यो इन्फर्नो देखिए, ऑसम वर्क इन्फर्नो, इलेक्ट्रो कर दिया है डाउन, सारे इलेक्ट्रोस जो है वो साइड पे है, सो हमारे इन्फर्नोज उनको टारगेट कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये 3 स्टार के 2 स्टार भी नहीं कर पाएगा। बढ़िया, ये मज़ेदार अटैक वो फेल होगा ये, अगर ये 3 स्टार नहीं कर पाया तो इस बेस पर। दोस्तों आपको याद होगा कि ये बेस पर मैं कई बार 3 स्टार कर चुका हूँ टाउन हॉल 10 की आईडी से, कई अटैक्स में मैंने ये बेस पर अटैक किया है और 3 स्टार भी किया है। सो अगर ये बंदा 3 स्टार नहीं कर पाया सो ये एक बहुत फनी मोमेंट होगा। सारे ईडीज जो है वो सेंटर में जा रहे हैं, और ये 2 इलेक्ट्रो डाउन, और ये लास्ट इलेक्ट्रो भी डाउन, ऑसम। और ये आर्चर क्वीन बची है, आर्चर क्वीन भी डाउन, ओहो फनी मोमेंट, 96% एंड 0-1 स्टार। और इस बस पर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कर, ओहो ये देखिए हमारी पोजीशन, हम आ चुके हैं 4th पोजीशन पर गाइस, चीयर्स टू दैट, हम फर्स्ट वार जीत चुके हैं। अब जो है हम ये फर्स्ट क्लैन के सामने हैं, तो मुझे नहीं लगता हम जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी हम एक टफ फाइट देने की कोशिश जरूर करेंगे। सो अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा मेरा अटैक। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइटनिंग बोल्ट अटैक कर रहा है, जो लास्ट TH9 बेस है उस पर, वो खुद एक TH9 है और वो अटैक कर रहा है मास हॉक्स अटैक। यहाँ पर उसने पहले क्या किया, एक हॉक छोड़कर CC में से इलेक्ट्रो को लियर आउट कर लिया, तो अब देखिए आर्चर क्वीन इलेक्ट्रो को डाउन कर देगी और सारे हॉक उसने डाल दिए। चलिए लेट सी, लाइटनिंग बोल्ट एक बहुत अच्छा प्लेयर है हमारा, वो भी एक 3 स्टार अटैकर है, लेट सी वो 3 स्टार कर पाता या नहीं। जो हमारा फर्स्ट वार था उसमें उसने TH11 बेस पर अटैक किया था 2 स्टार, सो मुझे गारंटी है कि वो इस पे 3 स्टार कर पाएगा। लेट सी, गो फॉर इट लाइटनिंग बोल्ट, क्या ये अटैक हो पाएगा 3 स्टार, लेट सी गाइस, वंडरफुल अटैक बाय लाइटनिंग बोल्ट, मास हॉग्स अटैक, सारे डिफेंस इज डाउन, सब ये अटैक इजीली हो जाएगा 3 स्टार। टाइम भी बहुत है, एग्जैक्टली 1 मिनट 40 सेकेंड है,
और हॉक्स बचे, आर्चर क्वीन बची है, विजार्ड जो है वो डाल रहा है धीरे धीरे, तो ये इजीली अटैक लाइटनिंग बोल्ट का हो जाएगा एक 3 स्टार। सो गाइस हमें ऑलरेडी 3 स्टार मिल जाएंगे, फिर मैं करूँगा अपना अटैक जो मुझे करना है 3 स्टार, देखते हैं मैं कर पाऊँगा या नहीं 3 स्टार, जिससे कि हमारे हो जाएंगे 6 स्टार। इस प्लान को टफ फाइट तो दे ही सकते हम, भले ही हम वॉर ना जीते, लेकिन एक अनबिलीवेबल वॉर हम जीत के आ रहे हैं जो फर्स्ट वॉर था। लेट्स सी क्या होगा इस वॉर में। और ये अटैक 3 स्टार की तरफ बढ़ता हुआ, आर्चर क्वीन डिस्ट्रॉयड, अब बचा सिर्फ एक बिल्डर हट। ऑसम अटैक हो चुका है एक 3 स्टार बाय लाइटनिंग बोल्ट। चलिए अब मैं बढ़ूंगा अपने अटैक की तरफ, इस बार मैं यूज करने वाला हूँ, लास्ट बार मैंने यूज किया था गोबोविच, जो फर्स्ट TH-10 बेस है उस पर मैं अटैक करूंगा। सो में भी इन्फर्नोस डाउन करने होते हैं तो आप इन्फर्नो की पोजीशन देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको सर्कल बना के दिखाता हूँ, और इसमें भी सेम इन्फर्नो के बाजू में एयर स्वीपर, तो आप जो है वो दूर मत जाइए ज़्यादा, जो आर्चर टावर को डाउन करने की कोशिश करेंगे ना तो आपका इन्फर्नो भी डाउन नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपका अटैक भी फेल हो सकता है। तो देखिए मैंने रिंग बना दिए, आप देख सकते हैं, तो हमें सिर्फ इन्फर्नो पर डालना है एग्जैक्टली, जिससे कि एयर स्वीपर भी डाउन हो और उस पर अर्थक्वेक डाल देंगे। फिर चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे अटैक की तरफ, गिबोविच ऑन द वे। क्या ये अटैक 3 स्टार हो पाएगा, क्या लगता है आपको? गिबोविच आर्मी से ये बेस इन्फर्नोस को ऑलरेडी डाउन हो जाएंगे, देखिए सीसी की रेंज में आपको दिखा रहा हूँ, गोबोविच हमारा अटैक लास्ट टाइम जो किया था सेम टू सेम। लेट्स गो फॉर द अटैक, इन्फर्नोस फर्स्ट इन्फर्नो डाउन, सेकंड इन्फर्नो डाउन विथ आर्चर क्वीन ऑल्सो, ऑसम गोबोविच डाल दिए मैंने सारे गोलम, उनके पीछे विचिस, उनके पीछे बॉलर्स, सीट बैरेक्स, बारबेरियन किंग, आर्चर क्वीन। लेट्स गो फॉर द अटैक गाइस, सब अटैक पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए वॉल टूट चुकी है, बारबेरियन किंग पैका गोलम अंदर, दूसरी कॉर्नर पे आर्चर क्वीन विच इज गोलम और बॉलर्स, तो हमारे सीट बैरक में से निकले बॉलर्स एंड जायंट, जो लास्ट अटैक में मैंने सीसी ली थी वो सेम। और ये देखिए सीसी में से निकला इलेक्ट्रो और बलून, सो फ्रीज एंड पॉइजन दोनों यूज कर लेंगे, तब तक आर्चर क्वीन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगी। आर्चर क्वीन एंड विच इज रॉक ऑन, इलेक्ट्रो डाउन, बलून तो पॉइजन से ही डाउन हो जाता है। सो गाइस सीसी हमारा हो चुका है डाउन, बारबेरियन किंग जो है वो एकदम सेंटर में पैका के साथ और मैक्स बॉलर्स के साथ, टाउन हॉल इज डिस्ट्रॉयड। अब सिर्फ चाहिए हमें 100% का डैमेज, जिससे हम 3 स्टार कर पाएंगे हमारा अटैक। चलिए देखते हैं हम 3 स्टार कर पाते या नहीं। come on, you can do it, bowlers, wizards, pekas, पैका बचा एक बॉलर ने डाउन कर दिया हिडन टेस्ला, अब बचे सिर्फ 2 हिडन टेस्ला। आर्चर क्वीन विथ फुल हेल्थ, एबिलिटी भी बची है उसकी, यहाँ पर आर्चर क्वीन पहुंच चुकी है सेकंड हिडन टेस्ला, दोनों हिडन टेस्ला एक साथ डिस्ट्रॉयड। यो तो गाइस हमारा सेकंड अटैक भी हो चुका है 3 स्टार, सो टोटली हम कर चुके हैं 6 स्टार इस तगड़े क्लैन के सामने, और उनके देखिए ऑलरेडी हो चुके हैं 27 स्टार। सो ये वॉर जीतने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारी लीग मेंटेन करके रखेंगे, टॉप 6 में आना है हमें। सो गाइस स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में थर्ड बैटल पे हम चलेंगे, थर्ड बैटल का अटैक, और ये वॉर तो हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स का वेट है, देखिए कुछ हो सकता है या नहीं। तो बाय गाइस, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।